वहीं कानपुर के राजीव चौकी चौराहे पर रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर मंजूरी मिल गई है और अब इसके बाद शहरवासियों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी। इस ओवरब्रिज को बनाने के लिए जमीन अधिग्रहित करने का सिलसिला शुरू हो गया है। जरीब चौकी चौराहे के चारों तरफ 400 मीटर की दूरी पर पड़ने वाले मकानों को अधिग्रहण किया जाएगा, जिसको लेकर सेतु निगम ने संबंधित विभागों को पत्र लिखा है और इस दौरान 12 मंदिरों को भी शिफ्ट किया जाएगा। हमारा एक जो प्रोजेक्ट था अनबरगंज से लेके और मंदना तक का रेलवे का एलिवेटेड ट्रैक, अगर एलिवेटेड ट्रैक ये बन जाएगा तो मुझे लगता है कानपुर की 50% से ज़्यादा जो जाम की समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। ये लगभग 950 करोड़ रुपये का एक प्रोजेक्ट है। इसके अलावा में यहाँ पे जो जरीब चौकी है इसमें भी जाम लगता है कि जब वो एलिवेटेड ट्रैक बनेगा तो साथ में इसके लिए एक ओवरब्रिज बनाया जा रहा है सेतु निगम द्वारा। तो सेतु निगम का जो ओवरब्रिज बन जाएगा उससे मुझे लगता है जो यातायात की समस्या है वो उसका समाधान हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। इसके लिए सेतु निगम वहाँ प्रयास कर रहा है, वहाँ जो दुकानें हैं और भी चीज़ें हैं उसका अधिग्रहण किया जा रहा है और उसके बदले में सरकार उनको मुआवजा भी दे रही है। कानपुर शहर में लगने वाला जाम यहाँ की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, जिससे राहगीरों को रोजाना दो चार होना पड़ता है। शहर के रहने वाले लोग कराहते हुए ट्रैफिक से परेशान होते हैं और घंटों जाम में फंसे रहते हैं। जरीब चौकी चौराहे पर रोजाना जाम लगता है। दरअसल यहाँ पर चौराहा होने के साथ साथ रेलवे का ट्रैक भी है, जिससे रोजाना सैकड़ों ट्रेनें निकलती हैं, जिसकी वजह से ये ट्रैक दिन में कई बार बंद होता है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दरअसल इस यहाँ पर आरओबी बनाकर के जनता को जाम से निजात दिलाने का फैसला लिया गया है। आरओबी के लिए सर्वे का काम चल रहा है। सेतु निर्माण ने 84 भवनों का अधिग्रहण करने का फैसला लिया है। भवनों और ज़मीन का मूल्यांकन करने के लिए सेतु निगम के इंजीनियरों, PWD और जिला प्रशासन को पत्र भेजकर टीम गठित करने के लिए कहा गया है। दो विभागों की टीम सर्किल डेट के आधार पर मूल्यांकन करके रिपोर्ट मंडलायुक्त को भेजेगी। आरओबी निर्माण के लिए सेतु निगम 3700 वर्ग मीटर ज़मीन का अधिग्रहण करेगा। जरीब चौकी के चारों ओर 400 मीटर तक जमीन का चिन्हीकरण किया जा चुका है। चारों ओर सड़क पर पड़ने वाले 12 मंदिरों को विस्थापित किया जाएगा। इन मंदिरों का चिन्हीकरण किया जा सका है। इसके अलावा रोड पर पड़ने वाले तमाम खंभों और कस्कों के ट्रांसफार्मरों को भी हटाया जाएगा, जिसके लिए कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। इस ओवरब्रिज के बन जाने के बाद शहर के लोगों को जाम की समस्या से निजात मिल सकेगा। वीरेंद्र चंद्र सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। तो फिलहाल न्यूज रूम लाइव में बस इतना ही, बाकी और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज स्टेट।